हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर रियली गुड। तो ये है ब्लॉग जो स्टार्ट हुआ है, ये वट सावित्री के नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैं कोई भी फास्टिंग हो, तीजी क्यों ना हो, मैं मैगी से ही खोलती हूँ। मैगी जैसा चटपटा टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट और क्या हो सकता है। यहाँ मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, दो आदमी का, मतलब मैं और हस्बैंड जी पियेंगे। तो मैंगो शेक की रेसिपी मैं आज शेयर करने वाली हूँ। इस सीज़न का मैं फर्स्ट मैंगो शेक बनाने वाली हूँ। तो मैंने दो यहाँ पे मैंगो लिए, क्योंकि मैंगो शेक में अगर मैंगो रहेगा भरपूर तो ही मज़ा आएगा। एंड मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ मिल्क, क्योंकि मार्केट की बात करें तो वहाँ पे पानी ऐड कर देते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए एंड क्वालिटी थोड़ा लेस करने के लिए। लेकिन जब घर में बनता है मैंगो शेक तो उसमें पानी नहीं जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क जाता है। कोई भी शेक हो वो मिल्क का ही बनता है, मतलब पानी का नहीं बनता है। पानी दे देने से इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्वालिटी इसकी लो हो जाती है। इसीलिए कभी भी कोई भी शेक बनाइए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही यूज़ कीजिए, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना टेस्टी बनता है ना अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिल्क से बनाओ कोई भी शेक, मैं क्या बताऊँ। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मैंगो के क्यूब्स। इससे जब आप ये ड्रिंक पियो ना तो मुँह में जब ऐसे मैंगो का पल्प आता है बहुत टेस्टी लगता है। इसको मैंने फ्रीज में डाल दिया था, देन उसके थोड़ी देर के बाद मैं इसको इन्जॉय की। एंड यहाँ पे बन रहा है, मतलब दिन का खाना। दो अंडे का बन रहा है यहाँ पे, एक मुर्जी जिसको हस्बैंड जी गलती से बोलते हैं मुर्जी। तो मन कर रहा था दोपहर में कुछ अच्छा खाऊं, क्योंकि उसके पहले वाले दिन फास्टिंग था। तो ब्रेकफास्ट में तो मैगी हो गया एंड लंच में हमारा टेस्टी वाला खाना था दाल चावल आलू का चोखा, ये एक की भुर्जी जिसमें कि टोमेटो हमने डाला, मिर्च डाला, अनियन डाला एंड सैलेड जो कि मस्ट है हमारे लिए। तो बहुत टेस्टी वाला लंच था। और यहाँ शाम का समय है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। ये मेरा डेली का रूटीन है कि दोपहर में जब मैं लंच खाती हूँ तो उसके बाद मैं जूठा बर्तन सिंक में रख देती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन को लॉक करती हूँ और नैप लेने चले जाती हूँ, मीन्स सोने चले जाती हूँ। तो शाम में ही मैं क्लीन करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जी मतलब सिंक में जब काउंटर टॉप में जब साफ़ कर रही तो मेरे लिए वो आइसक्रीम लेके आए, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे गाड़ी धुलवाने के लिए एंड पेट्रोल डलवाने के लिए। तो वहाँ से जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो वो आइसक्रीम मेरे लिए लेके आए। बोले कि ठीक है चलो बाद में इसको पूछना, पहले आइसक्रीम खा लो। तो मैं ये काम यहीं पे छोड़ती और मैं चली गई डायरेक्ट आइसक्रीम खाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हस्बैंड जी को मैंने क्या एक बार अपने हाथों का बना हुआ कोफ्ता खिला दिया, तो वो तो कोफ्ता 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 इसी बात का जीत लगाए रखते हैं। तो वो कटहल लेके आए थे तो मैं सोची चलो आज कोफ्ता बना करके उनका उद्धार कर ही देते हैं, जस्ट किडिंग। तो यहाँ मैं स्कूल से आई थी एंड गर्मी इतना थी, लेकिन मुझे हस्बैंड जी का फेवरेट कोफ्ता बनाना था तो मैं आ गई फटाफट किचन में कोफ्ता बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसको हमने दो बार खाया एंड फर्स्ट स्लॉट में ही जो हमने लंच में खाया उसी में हमने भरपेट खा लिया। डिनर के लिए थोड़ा सा ही बचा था, मतलब मैं बनाती हूँ दो टाइम का सोच के, लेकिन वो एक ही टाइम में फिनिश हो जाता है क्योंकि वो बनता ही इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे जो लड्डू मैं लेके आई थी, भूख लग गया था मुझे, तो एक लड्डू मुझे फ्रीज में दिखा तो मैं सोचा चलो पेट पूजा कर लेते हैं। तो आलू और कटहल को मैंने उबाल दिया था, फिर उसको मैंने जब उबल गया था अच्छे से मैश किया, उसमें अनियन और मसाले वगैरह मैंने दिए, फिर इसको गोल गोल करके अच्छे से तल लेना है कुरकुरा टाइप, जैसे कि आप लोग अभी मैं मतलब दिखाऊँगी। एंड ये क्रंची बनता है, जब पकौड़ा भी आप खा सकते हो, जितना क्रंची बनाओगे उतना टेस्ट लगेगा। एंड आप किचन देख सकते हो, आपको स्लैब जो है उधर थोड़ा मेसी नज़र आ रहा होगा, तो मैं संडे को क्लीनिंग करूँगी ये रैक वगैरह भी। और हमने अभी मैंने हस्बैंड जी ने रिसेंटली अभी अच्छे से पहले सर्फ से अच्छे से साफ़ किया, देन नॉर्मल वाटर से, फिर भी गंदी मतलब गंदा हो जाता है, कोई बात नहीं, संडे संडे तो क्लीनिंग होती ही है।
एंड गर्मी इतना था ना कि हस्बैंड जी को मेरा मतलब कि पसीना देखा नहीं गया, तो वो मुझे कोल्ड ड्रिंक दिए पीने के लिए, तो बनाते बनाते खाना मैं कोल्ड ड्रिंक भी इंजॉय कर ली। एंड ये आइस रोलर जो है बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ है ये, तो मैं सोचे कि चलो इसको फ्रीजर में डाल देते हैं। इसमें आज मैंने क्यूकम्बर दिया, आप कुछ भी कस्टमाइज चीज़ इसमें दे सकते हो, जैसे बीट भी दे सकते हो, ओनली वाटर भी दे सकते हो, रोज़ पेटल्स भी दे सकते हो, रोज़ वाटर भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो मैं आज क्यूकम्बर दे रही हूँ, इसको पूरा फिल कर लेंगे पानी से, देन इसको रात भर के लिए फ्रीजर में डाल देंगे। फिर इसको मैं जो है आजकल मैं सोच रही हूँ कि पर डे मॉर्निंग में मैं इससे आइस रोलर से अपना चेहरा हल्का हल्का सेकती हूँ, इससे क्या बेनिफिट होगा वो मैं 30 डेज के बाद बताऊँगी। संडे तो हैप्पी संडे, तो मैं जो हूँ डस्टिंग एंड क्लीनिंग कर रही थी पूरे घर की। तो ये किचन मेरा हो चुका है, स्लैब पर आपको दिख रहा होगा वो आटा एक कागज़ में, तो वो जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ रोटी वाला, तो उसको मैं वॉश करूँगी, देन चकला बेलन भी वॉश करूँगी, जट्स है वो वैसे ही रखा हुआ है। काउंटर टॉप अभी मैंने अरेंज नहीं किया है, मैं रैक मैंने अरेंज किया है, एंड ये वाला रैक ड्राई फ्रूट्स वाला रैक, एंड ये वाला और ये वाला रैक, ये सब मैंने अरेंज कर दिया है। तो अब आपको लेके चलते हैं हॉल में। तो यहाँ पर मैंने ये सोफ़ा वाला टेबल जो होता है इसको मैंने अच्छे से मतलब डस्ट इसका हटा दिया। ये वाला टेबल ना पर डे मतलब क्लीन करना पड़ता है, उसमें डस्ट बहुत जल्दी बैठ जाता है। एंड ये वाली रैक, इसमें जितने भी इंडोर प्लांट्स थे वो सब अभी हमने बाहर रखा है, बाद में अरेंज कर देंगे। देन मैंने जो यहाँ पे किचन होल्डर मंगाया था वो ये रहा। उसके बाद मैंने ये रैक भी अरेंज कर दिया है, ये भी और ये भी। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे मैंने कुछ कुछ इस शेल्फ पे सजा दिया है, और मैं जब परचेज़ करूँगी हैंगिंग वाला टाइप का तो फिर मैं इसमें सजाऊँगी। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको बेडरूम में। तो यहाँ बेडरूम में भी ये वाला शेल्फ था जिसमें मैंने वो कैंडल वाला रख दिया है, और ये एक मनी प्लांट सजा दिया है मैंने, और ये सब मैंने विंडो वगैरह सब मैंने साफ़ किया है। ये ड्रेसिंग टेबल भी मैंने अच्छे से डस्टिंग एंड क्लीनिंग की है। ये वाली रैक, ये हेलमेट जो है वो स्कूटी में जाएगा, पर हस्बैंड जी हमेशा की तरह गलती से घर ले आते हैं। बस पोछा लगाना बाकी है जो कि अब मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद लगाऊंगी। ये मैं बना रही हूँ सैंडविच जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो एक बार और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने लिया है एक अनियन, बीट, टोमेटो और एक गाजर। आप खीरा है आपके पास तो खीरा भी ऐड कर सकते हो, अगर इसमें कोई एक दो चीज़ नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि अनियन और टोमेटो रहे ही रहे। और इसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज, वाइट ब्रेड है तो वाइट ब्रेड, लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं ब्राउन ब्रेड खाना तो ब्राउन ब्रेड है, और टोमेटो सॉस है एंड ग्रीन चिल्ली सॉस है। तो पहले मैं इसमें मेयोनीज मिलाऊंगी, देन टोमेटो सॉस मिलाऊंगी इसमें, देन ग्रीन चिल्ली सॉस मिलाऊंगी, देन हल्का सा नमक दे करके फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इसमें देना है मेयोनीज, टोमेटो सॉस एंड ग्रीन चिल्ली सॉस एंड नमक। एंड ये ड्राई फ्रूट्स खाने का भी मुझे टाइम नहीं मिला है, मैंने अंजीर खा लिया है एंड काजू भी खा लिया है, थोड़ा सा किशमिश भी खा लिया, और बादाम हस्बैंड जी और मेरा है क्योंकि उनको छीलने में बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होता है, एंड दो किशमिश मेरा ही है। तो यहाँ पर करारे सैंडविच जो है वो रेडी हो चुके हैं, जिसके साथ मैं सर्व की हूँ टोमेटो सॉस एंड मेयोनीज, और इसको मैंने सेका है बटर से। तो सबसे पहले भोग लगाते हैं हस्बैंड जी को। तो आज का व्लॉग यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।